अजमेर से खबर, आखिर क्या चाहता है अजमेर प्रशासन और चिकित्सा विभाग। जेएलएन अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि प्रसूता की जांच कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी प्रसूता को 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर रहना पड़ा। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा नवजात के लिए कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की गई। 4 घंटे तक नवजात बिलखता यहां पर रहा। कल दरगाह क्षेत्र प्रसूता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। क्या इस तरह अजमेर कोरोना से जीत पाएगा? अजमेर रेड जोन में आया है और इस तरह जो व्यवस्थाओं की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं, 4 घंटे तक नवजात बिलखता रहा, कोई व्यवस्था यहां पर प्रसूता के लिए नहीं की गई, 2 घंटे तक अस्पताल के बाहर प्रसूता को रहना पड़ा, बेहद निंदनीय ये। क्या इस तरह अजमेर कोरोना से जीत पाएगा? जेएलएन अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 4 घंटे तक नवजात बिलखता रहा। बच्चे की माँ जो थी वो पॉजिटिव आई थी, वो गेट के बाहर, जेएलएन के गेट के बाहर एम्बुलेंस में 3 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार किया है जेएलएन के गेट के अंदर आने के लिए। अंदर उनका एम्बुलेंस में ना तो कोई पंखा था ना कुछ था, अंदर दम घुट रहा था उनका पूरी तरीके से गर्मी के अंदर। 3 घंटे बाद में उनको जब अंदर लिया, उसके बाद में आधा घंटा 3 घंटा उनके प्रोसेसिंग में लगा, उनकी माँ को ऊपर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अब पिछले 3 घंटे से हम इस बच्ची को लेकर के यहाँ पे परेशान हैं। ये बच्ची को ना तो इसको कुछ बता रहे हैं कि कहाँ लेके जाना है, कौन से वार्ड में लेकर के जाना है, कहाँ लेके जाना है। अब ये बच्ची भूख के मारे तड़प रही है, रो रही है बच्ची। पिछले 4 घंटे से ये बच्ची भूखी प्यासी है।